सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर साहू एडिटिंग। तो मेरे भाई, जैसे कि सर्दी का मौसम आ चुका है, विंटर आ चुका है, तो आज का वीडियो का टॉपिक किस पर होने वाला है, आप विंटर फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आ गए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके और उसके पास बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वहाँ पर अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे रखा है, जाओ और फॉलो कर लो। मेरा यूज़र नेम मिस्टर साहू एडिट, तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। आपको कोई बातचीत करनी है तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइस, आपको विंटर इफेक्ट अपने फोटो में लाने के लिए आपको फोटो सिलेक्ट आपकी कर लेनी है, तो मैं ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो फिर आपको क्या कर लेना, आपको इसे शेयर कर लेना है स्नैपसीड ऐप पर। ओके, तो मैं फटाफट से स्नैपसीड ऐप पर आपको इसे ओपन कर लेता हूँ। तो स्नैपसीड पर ओपन हो जाने के बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको सिलेक्ट व्यू पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो इसलिए क्लिक करने के बाद आपको इसे फेस पर रख लेना है, और ब्राइटनेस को आपको 24 रहने देना है, और कॉन्ट्रास्ट को आपको क्या कर लेना है, कॉन्ट्रास्ट को आपको -11। ओके, तो सेटून को आपको -9 रहने देना है, और लास्ट वाले आपको इसे कर लेना है +24। ओके, तो ये हो जाने के बाद आपको इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको फेस अब आपको रख लेना है इसके हैंड पर, मॉडल के हैंड पर रखने के बाद आपको इसे भी +70 रहने देना है, और सेकंड वाला कॉन्ट्रास्ट को आपको -9 रहने देना है, और सेटून को आपको +24। ओके, और लास्ट वाले ऑप्शन को आपको इसे -16 रहने देना है। और ये हो जाने के बाद आपको इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको फिर से सिलेक्ट व्यू पर जाना है, और आपको इसके पेयर पर रख लेना है मॉडल के, थोड़े से ब्राइटनेस इसके भी बढ़ेंगे तो आपको इसे +20 रहने देना है कॉन्ट्रास्ट को, और कॉन्ट्रास्ट को आपको 12 रहने देना है, और सेटून को आपको -7 रहने देना है। ओके, ओके कर लेने के बाद आपको फिर से पेंसिल वाले आइकन पर जाना है, फिर जाना है आपको ड्यूबल एक्सपोजर पर। ओके, तो ये क्लिक हो जाने के बाद आपको इसमें मैं जो PNG यूज़ करूँगा वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो आपको इसे स्नो को वाले ऑप्शन को आपको इसे क्लिक कर लेना है, फिर जाना है आपको फ़ोन वाले आइकन पर, फिर आपको लाइट टर्न पर जाना है। ओके, तो जैसे कि ये स्नो आ चुका है, तो आपको इस तरीके से इसे स्नो को इस तरीके से लगा लेना है, और इसे ओके कर लेना है। फिर से आपको ड्यूबल एक्सपोजर पर जाना है, फिर से आपको प्लस वाला आइकन पर जाना है, ये सेकंड वाला आपको सिलेक्ट कर लेना है, दूसरा स्नो का PNG, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना आराम से। तो आपको लाइट एंड फिर से कर लेना है। ओके, लाइट एंड क्लिक करने के बाद आपको इसे इस तरीके से आपको इसे लगा लेना है। तो ओके, मुझे ये सही लग रहा है तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, इसे शेयर कर लेना है Lightroom ऐप पर। तो Lightroom ऐप पर मैं इसे शेयर कर लेता हूँ। Lightroom ऐप पर इस Lightroom को ओपन कर लेता हूँ। तो Lightroom ऐप ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऑल फोटो पर क्लिक कर लेना है। ओके, ओके हो जाने के बाद आपको ये फ़ोटो सिलेक्ट हो चुका है, तो आपको फिर जाना है आपको इमेज वाले आइकन पर। ओके, इसे क्लिक करने के बाद आपको मैं ये वाला प्रीसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको ये भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये मेरा विंटर वाला प्रीसेट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको इसे 3 डॉट पर जाना है, और इसे कर लेना है कॉपी सेटिंग पर क्लिक, और इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको फाइनल स्टेप आपको इसे पेस्ट कर लेना है। ओके, तो पेस्ट हो जाने के बाद आप देखना फोटो काफ़ी अमेजिंग एडिट हो चुका है, तो आपका विंटर इफेक्ट आ चुका है। तो यार इसे आपको शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हो, सेव टू डिवाइस, तो ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो मैंने पहले से कर रखा है, मैं सेव नहीं करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।